नंदिनी आप देख रहे हैं द फुल झड़ी। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन सिटी पहुंचकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कोविड, शांति एवं स्थिरता बरकरार रखने समेत कई मुद्दों पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस के बीच आमने सामने की ये पहली बैठक थी। इस बैठक की समय सीमा 20 मिनट निर्धारित की गई थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि बैठक एक घंटे तक चली। लेकिन ये तो हो गई पर्दे के सामने की बात, आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आइए जानते हैं उसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस की मुलाकात को बीजेपी ने जहाँ ऐतिहासिक मुलाकात घोषित किया, वहीं आरएसएस प्रमुख दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि हम वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, और उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ उस वक्त की बात की जब चुनावी राज्य पंजाब में पार्टी ने दलितों के ईसाई धर्म को अपनाने का मुद्दा उठाया था। सन 1999 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने भारत का दौरा किया था और कैथलिकों के प्रचार के अधिकार को मान्यता देने का आह्वान किया था। लेखक जॉन दयाल के अनुसार आरएसएस ने उनका कड़ा विरोध किया, खासकर जब उन्होंने चर्च दस्तावेज एक्लेक्सिया इन एशिया जारी किया, जिसमें कहा गया था कि इसमें भारत में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होगा। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी गोवा और मणिपुर में ईसाई समुदाय की ताकत के बल पर अपना वोट बैंक और मजबूत करना चाहती है। इसके साथ ही बीजेपी केरल में भी अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस के साथ एक घंटे चलने वाली बैठक और पोप को भारत आने का निमंत्रण को भाजपा नेता इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो वहीं आरएसएस का मिजाज भी बदला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पर बीजेपी के गोवा के मंत्री और कैथोलिक चेहरे गोविंद ने अपनी राय व्यक्त की और बताया कि यह बैठक देश और राज्य के लिए ऐतिहासिक अवसर था, और यह बैठक कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे भ्रामक अभियान को भी समाप्त कर देगा कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। मोबीन ने आगे बताया कि गोवा में 27% कैथोलिक चेहरे हैं और पार्टी गोवा में इस महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा बनाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोवा में बीजेपी के 27 विधायक हैं, जिसमें से 15 विधायक कैथोलिक हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोप की मुलाकात पार्टी के लिए मणिपुर में भी काफी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि मणिपुर में 41.29% आबादी कैथोलिक है। मणिपुर के अलावा पार्टी को ईसाई बहुल्य इलाके नागालैंड और मेघालय में भी काफी फायदा मिलेगा। इस पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि साल 2019 में गोवा के कैथोलिक समुदाय के आर्क बिशप ने नागरिकता अधिनियम के खिलाफ एक बयान जारी किया था, जिसमें आर्चडायोसेस की सामाजिक न्याय शाखा ने इसके खिलाफ एक रैली का आह्वान किया था। पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि इससे भाजपा के कैथोलिक विधायकों पर विशेष रूप से दल बदलों पर बहुत दबाव पड़ेगा, जिसमें से कुछ को पीएम के वेटिकन यात्रा से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।